ऑल राइट, सो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ सिस्टम मॉनिटरिंग कमांड्स के बारे में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे DFDU एंड फ्री कमांड्स, कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हैं और क्या क्या एग्जांपल्स के साथ थोड़ा सा मैं और समझाऊंगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं DF कमांड की तरफ। इट शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल सिस्टम, ठीक है। सो DF कमांड क्या करता है, जो भी हमारा फाइल सिस्टम है कितनी जो मेमोरी है, ठीक है, वो अलॉटेड है, कितनी यूज है, कितनी अवेलेबल है, तो वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है। आ गए हैं अपने टर्मिनल पे एंड मैं एज अ नॉर्मल यूजर ही लॉग इन हूँ एज अ पॉल, ठीक है। तो यहाँ पे रूट नहीं है, हम लोग नॉर्मली भी इसको चेक कर सकते हैं। सिंपल df हाइफन एच करते हैं डायरेक्टली, जो मोस्ट वाइडली यूज्ड कमांड है। हाइफन एच मतलब ह्यूमन रीडेबल, तो और ज्यादा इजी वे में ये एक्सप्लेन या फिर शो करता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फाइल सिस्टम है, ठीक है, एंड यहाँ पे साइजेस है, कितनी यूज है, कितनी अवेलेबल है, परसेंटेज कितने यूसेज हो गया है एंड कहाँ कहाँ ये फाइल सिस्टम माउंट है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग को जो मेन जिससे काम होता है वो रहता है ये जो रूट होता है, ठीक है, वहां पे। एंड यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मेमोरी यहाँ पे अलॉटेड है, यहाँ पे कुछ टेम्परेरीज होती हैं एंड सो ऑन, एंड कुछ स्वैप मेमोरी में भी चली जाती है। एंड सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 56% यहाँ पे यूज है, ठीक है। तो ये df कमांड कहाँ पे यूज कर सकते हो, एज अ सिस्टम एडमिन भी हो, ठीक है, अगर आपको, ठीक है, टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है कि आपके इस स्पेसिफिक सर्वर पे कितनी मेमोरी अवेलेबल है नहीं है, सो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ऑफ कोर्स यहाँ पे स्क्रिप्टिंग कर सकते हो आप, कुछ ऑटोमेटेड यू नो कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम भी प्लेस कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे 80% हो तो मुझे ईमेल आ जाए या तो मुझे यू नो कुछ नोटिफिकेशन हो जाए एंड सो ऑन, ठीक है। सो df कमांड में एक चीज और कर सकते हो, हाइफन बी कैपिटल बी, एंड उसके बाद अगर आप ये जो साइजेस जो दिखा रहा है उसके फॉर्मेट में कुछ चेंजेस चाहते हो, कुछ अलग फॉर्मेट में चाहते हो, तो वो भी हो सकता है। जैसे कि df हाइफन एस था कैपिटल बी, और जैसे कि यहाँ तो मेगा बाइट में था, मुझे समझ लो किलो बाइट में चाहिए, सो मैं सिंपल के यूज कर लूंगा, तो यहाँ पे सब किलो बाइट्स में दिख रहा है, ठीक है। एंड मुझे अगर गीगाबाइट्स में चाहिए तो मैं यहाँ पे जी यूज करूंगा, सो यहाँ पे गीगाबाइट फॉर्मेट में दिखाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। सो अब आ जाते हैं हम लोग डीयू कमांड पे, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क यूटिलाइजेशन, ठीक है। एंड अभी तो हम लोग ने एक अपर लेवल पे, ठीक है, बाहर बाहर से देख लिया कि फाइल सिस्टम लेवल पे कि आपके ओवरऑल सिस्टम में कितनी मेमोरी बची या फिर कितनी अवेलेबल है, कितनी यूज्ड है। बट डिस्क यूटिलाइजेशन क्या करता है, समराइज डिस्क यूजेज ऑफ द सेट ऑफ फाइल्स, ठीक है, रिकर्सिवली फॉर द डायरेक्टरीज। तो ये क्या करता है, जैसे फाइल सिस्टम के अंदर, ठीक है, और डायरेक्टरीज के अंदर 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 जाके कौन सी डायरेक्टरीज में कितने डिस्क यूजेज हुआ है वो आपको यहाँ पे शो करता है। सिंपल du hyphen h human readable and that's it, इतनी इजी कमांड होती है du hyphen h, all right। So अगर आप सिंपल du hyphen h करते हो तो आपको यहाँ पे, ठीक है, तो ओवरऑल करेंट डायरेक्टरी में जितनी भी चीजें लाइक डॉट स्लैश डॉट कैशे एंड सो ऑन, जो काफी चीजें जो हमारी यूज की भी नहीं है, काफी चीजें तो यहाँ पे जीरो मेमोरी ले रही है, ऑलमोस्ट जीरो, सो वो दिखा भी नहीं पा रहा है। बट हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें पता है ये वाली कमांड कब यूजफुल होगी, जब हम किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर या तो लोकेशन पे के अंदर हमें साइज, ठीक है, पता करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे मैं होम पॉल स्क्रिप्ट, ठीक है, तो मेरा एक खुद का फोल्डर है, मैं यहाँ पे उसको करता हूँ, तो यहाँ पे दिखाएगा कि ठीक है ये फोल्डर जो है स्क्रिप्ट, ये टोटल 252 किलोबाइट्स मेमोरी हमें ले रहा है, ठीक है, तो इसमें इतना डेटा है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और यूज करता हूँ आर्काइव, एक फोल्डर है मेरा, ठीक है। सो अगर मुझे एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर चेक करना है कि कितना स्पेस वो फोल्डर ले रहा है, तो यहाँ देखो आर्काइव किया, यहाँ पे देखोगे आर्काइव, तो यहाँ पे टोटल 4.9 GB, तो ये फोल्डर मेरा 4.9 GB स्पेस ले रहा है, ठीक है। उसके अंदर अंदर देखो, ऊपर ऊपर जाओगे ना तो देखोगे आर्काइव के अंदर एक फोल्डर वन है, उस एक फोल्डर वन के अंदर माय फोल्डर है, वो कितना स्पेस ले रहा है, फिर आर्काइव के अंदर एक और माय फोल्डर है, वो कितना स्पेस ले रहा है, एंड सो ऑन, एंड टोटल यहाँ पे 4.9 GB यहाँ पे मेमोरी बनती है, ठीक है। अभी आप लोग ने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये जो मेमोरी दिखा रहा है ये सिर्फ एक फोल्डर तक लिमिटेड है, ठीक है, सिर्फ फोल्डर तक ही दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स हो एंड मुझे देखना है कि वो फाइल्स भी कितना स्पेस ले रही है। तो हम लोग पता है सिंपली क्या करेंगे, एच एंड उसके बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे ए, ठीक है, ए मतलब ऑल, और जैसे ही आप ए करते हो तो आपको जैसे कि माय फोल्डर था, माय फोल्डर के अंदर एक फाइल थी,
ठीक है, तो ये फाइल कितना स्पेस ले रही है, एक और फाइल थी फाइल टू, ये कितना स्पेस ले रही है, एंड सो ऑन। सो आपको और ग्रेन्युलर लेवल पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किसी फोल्डर के अंदर की फाइल्स कितने स्पेस ले रही है, एंड ऑफ कोर्स टोटल लास्ट में ये 4.9 GB ले रहा है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये कमांड थी, उसमें सिंपल अगर आप सी यूज करते हो, सी फॉर काउंट, तो आपको टोटल वॉल्यूम भी दिखाता है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे 4.9 GB, ऑल्दो ये भी वही दिखाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने ये देखा, हाइफन एस देखा फाइल का पाथ, एस सी भी देख लिया, सी फॉर काउंट, ठीक है, सॉरी काउंट वॉल्यूम, और यहाँ पे ऑल फाइल साइज भी देख लिया ए, और यहाँ पे हाइफन बी एम, ठीक है। तो ये जैसे कि हम लोग ने डी एफ कमांड में देखा था, सिमिलरली हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली क्या करो, इसके आगे हाइफन कैपिटल बी, एंड समझ लो, देखो यहाँ पे एम 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 मेगाबाइट में, ठीक है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था, यहाँ पे मैं मान लो के कर देता हूँ, किलो बाइट्स में देखना है तो आप किलो बाइट्स में देख सकते हो, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एंड दैट्स इट। ये कमांड काफी यूजफुल होती है, फॉर एग्जांपल कि आपके डिस्क यूटिलाइजेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, पीक पे है, समझ लो 80-90% फुल हो गया है, आप सोच रहे हो कहाँ पे है। ठीक है, तो आप ग्रेनुलर लेवल पे पता कर सकते हो कि कौन से फोल्डर में कौन सा एप्लीकेशन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उस कंसर्न टीम से बात कर सकते हो कि भैया तुम्हारे एप्लीकेशन बहुत ज्यादा ये यूज कर रहा है स्पेस, तो आप कुछ करो उसमें, एंड सो ऑन। ठीक है, और ऑलराइट, सो सबसे लास्ट में हम लोग बात करते हैं फ्री कमांड के बारे में। फ्री कमांड जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, वो शो करेगा कि कितनी मेमोरी फ्री, बट यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि अभी तक जो हम लोग ने दो कमांड देखी डी एफ एंड डी यू, उसमें फिजिकल मेमोरी की हम लोग बात कर रहे थे, बट जब भी हम फ्री कमांड यूज करते हैं वो हमें रैम जो मेमोरी होती है बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। सिंपल फ्री, या तो फ्री हाइफन एच आपको यहाँ यूज करना है, ठीक है, फ्री हाइफन एच, सिंपल एंड सो सिंपल। ठीक है, सो यहाँ पे कितनी मेमोरी अलॉट है, 1.7 GB, एंड उसके बाद कितनी यूज्ड है, कितनी फ्री है, एंड बफर कैशे, ठीक है, तो अभी कुछ प्रोसेस कैशे बफर में रहते हैं, एंड अवेलेबल कितने MB है, स्वैप मेमोरी की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अगेन द क्वेश्चन इज कि ये कमांड कहाँ यूज कर सकते हो, दो केसेस में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप एक सर्वर पे कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है, या तो आप सिस्टम एडमिन हो, दोनों केसेस में, तो आप उस एप्लीकेशन को फॉर एग्जाम्पल 5 GB की हीट मेमोरी की जरूरत है उसको रन करने के लिए, सो आप ऑलरेडी, ठीक है, पहले से ही ये सर्वर पे चेक कर सकते हो कि कितनी मेमोरी अवेलेबल है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली यू विल प्रोसीड टू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन। ठीक है, सो एक यूज केस ये हो गया, अगर आप सिस्टम एडमिन हो सो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है, एंड सो ऑन। दूसरा एक और यूज केस बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हो, एप्लीकेशन चल रही है आपकी, ठीक है, रनिंग है, और आप एट द सेम टाइम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो कि आपका वो एप्लीकेशन कितनी मेमोरी यूज कर रहा है, अगर बहुत ज्यादा ले रहा है तो हो सकता है मेमोरी लीक का इशू हो, कुछ हो, सो वो एक केस भी होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चीजें भी कर सकते हो फ्री कमांड के साथ, लाइक फ्री हाइफन एस, सो आपके कितने मतलब इंटरवल में रिफ्रेश चाहते हो, ठीक है, जैसे कि हाइफन एस, और मैं यहाँ 3 करता हूँ, सो वो हर 3 सेकंड में, ठीक है, आपको रिफ्रेश करके ये आपको मेमोरी की इन्फॉर्मेशन देगा कि कितनी अवेलेबल है, अब कितनी अवेलेबल है, एंड सो ऑन। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल सी कर देता हूँ। ठीक है, और एक और लास्ट केस है हाइफन सी, कितने काउंट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे चार बार ये कमांड चलानी है, सो हाइफन सी एंड 4 दे दूंगा, सो ये हर 1 सेकंड के बाद 4 बार चलेगा एंड यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। सो सिमिलरली आप ये भी कमांड बहुत जगह यूज कर सकते हो टू मॉनिटर द सिस्टम, और या तो अपने एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस, एंड सो ऑन। सो वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो में, इन दैट केस प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।